छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ऐसे कई गांव हैं जो नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं और इन ग्रामीण अंचलों में नक्सलियों की मौजूदगी की वजह से इन गांवों का विकास नहीं हो सका है और यहां के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। इन गांवों में से एक गांव है दरबा ब्लॉक का चांदामेटा, जहाँ हाल ही में बीपी न्यूज़ की टीम पहुँची और यहाँ के समस्या को उजागर किया, बताया कि किस तरह से यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को उजागर करने के बाद और इसे दिखाने के बाद आखिरकार गुरुवार को बस्तर कलेक्टर समेत विभाग की सारी टीम पहली बार चांदामेटा गांव पहुंची और यहां पर जन समस्या शिविर लगाया गया। इस जन समस्या शिविर में चांदामेटा और आसपास के पूरे पारा के ग्रामीण पहुँचे हुए थे और ग्रामीणों ने एक एक करके बस्तर कलेक्टर को अपनी समस्या बताई और यह भी बताया कि किस तरह से उन्हें वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ शासन की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। ना ही इस गांव में प्राथमिक शाला है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र है। ऐसे में उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस्तर कलेक्टर ने भी एक एक कर ग्रामीणों की समस्या जानी और उन्हें आश्वस्त किया कि सप्ताह भर के भीतर इस चांदामेटा गांव में, जो कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहां पर स्कूल खुलने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और इसके अलावा राशन दुकान भी खोला जाएगा और जल्द से जल्द इस गांव की तस्वीर भी बदली जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में कोलेंग से लेकर चांदामेटा का जो 15 किलोमीटर दूरी है, उस दूरी में सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और इस सड़क के जरिए ही अब इस गांव में विकास पहुंचेगी और यहां के ग्रामीणों को पूरे मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शासन के एक एक योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण की वजह से कई बार विकास का कार्य नहीं पहुंच पाते, सरकारी विभाग नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों को हम मावा नवानार एक विशेष योजना के तहत कनेक्ट कर रहे हैं। अब उसी तारतम्य में हम आगे बढ़े हैं। चांदामेटा जो एक कोलिंग के भी अंदर का गांव है, वहां पर आज हम लोग यहां पर आए हैं। ये यहां पर आना भी इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसको अभी हाल में ही रोड से जोड़ा गया है। रोड इसलिए बन पाई क्योंकि पुलिस के द्वारा भी एक कैंप की व्यवस्था यहां की गई, जो कि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। अभी रोड बनी है तो निश्चित रूप से आज पहली बार इतने संख्या में अलग अलग विभाग यहाँ पर आए हैं। लोगों में एक भारी उत्साह हमको देखने को मिला है। पहली बार इतने लोगों के साथ उनका रूबरू हुए हैं तो अलग अलग प्रकार की मांगें आ रही हैं, चाहे वो पेंशन की मांग हो, राशन कार्ड की मांग हो, प्राथमिक शाला की मांग हो, स्वास्थ्य संबंधित मांग हो, तो उन सभी को पूरा किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर प्राथमिक शाला का भवन, आंगनवाड़ी भवन, खाद्य वितरण को लेकर के जो भवन की जरूरत है, गौठान का निर्माण एक हफ्ते के अंदर सब शुरू हो जाएगा। साथ में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर राशन कार्ड दे दिए जाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित हो, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी इसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बस्तर कलेक्टर के साथ बस्तर के SP जितेंद्र सिंह मीणा भी पहुंचे हुए थे। SP ने बताया कि हाल ही में चांदामेटा गांव में एक पुलिस कैंप खोला गया है और यहां पर लगातार जवानों के द्वारा सर्चिंग भी की जा रही है, जिसके चलते नक्सली काफ़ी बैकफुट पर है और जवानों की सुरक्षा के साय में ही सड़क निर्माण का कार्य किया गया है और अब आने वाले दिनों में जवानों की सुरक्षा में ही गाँव में एक एक विकास कार्य किए जाएंगे और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं ग्रामीणों तक पहुँचाया जाएगा। जो तुलसी डोंगरी क्षेत्र है, जो उड़ीसा राज्य से लगा हुआ है, वो सबसे सुदूर, दुर्गम और सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। इस क्षेत्र में पुलिस बल और सिक्योरिटी फोर्स CRPF के साथ मिलकर हमारे DRG के जवानों ने एक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण कराया है। ये रास्ता जब बन के तैयार हुआ तो इस पहुँच विहीन पहाड़ी पर स्थित गाँव को शासकीय अमले के द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, निवासी हैं, उनके जो भी मूलभूत सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सभी सुख सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा सकें, विकास की योजनाएं निर्बाधित रूप से यहाँ पर संचालित की जा सकें, सुरक्षित माहौल तैयार हो सके, लोग प्रशासन और पुलिस के बीच में एक अच्छा विश्वास का माहौल बने, इस दिशा में एक बहुत सराहनीय पहल जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है। लेकिन पिछले कुछ कारणवश मैं पिछले 7 साल से इस जगह से बाहर जगह रह के स्टडी भी की है सर मैंने, और इस जगह पे इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि नक्सलियों का क्षेत्र था सर, इस वजह से नहीं आ पा रहा था क्योंकि नक्सलियों की वजह से मैं भी दूसरे जगह गया था सर, क्योंकि यहाँ से मतलब नक्सली लोग आते थे और पढ़ाई करने भी जाने से ना सर कि ये बोलते थे कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो मतलब पुलिस साइड हो,
इस टाइप का बोलते थे सर, इसलिए हम लोग क्या है पढ़ाई करने जाते थे इसलिए उधर ही रहते थे सर। और हम लोग जो जो भी अगर इस जगह पर पढ़ाई कर रहा था सर, उनके परिवार वाले को सबको यहाँ गांव से भगा दिए थे। इस वजह से हम मेरे परिवार वाले भी आज तक नहीं आए सर, और मैं 7 साल के बाद फर्स्ट बार सर यहाँ पर आया हूँ, जो कि प्रशासन के माध्यम से रोड बना, कैंप बना, इसके माध्यम बहुत अच्छा लग रहा है सर इस जगह पर आके। और न्यूज़ वाले भी आए हो, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस चाना मेटा में आए हो सर, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है सर। इधर ग्रामीणों ने भी आज़ादी के 75 साल बाद प्रशासन की पूरी टीम को अपने बीच पाकर काफ़ी खुशी जाहिर की, और ग्रामीणों ने इसके लिए एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद भी किया है, क्योंकि जिस तरह से एबीपी न्यूज़ की टीम इस गांव में पहुंची थी और ग्रामीणों की समस्या को उजागर किया, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जिला प्रशासन की टीम पहुंची और उसके बाद ग्रामीणों ने भी अब राहत की सांस ली है। ग्रामीणों का मानना है कि अब उनके गांव में विकास पहुंचेगा। वहीं बस्तर कलेक्टर ने भी पूरी तरह से ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि आने वाले कुछ महीनों में चांदामेटा गांव की तस्वीर बदलेगी और यहां भी शासन की योजनाओं का लाभ एक एक ग्रामीणों को मिल सकेगा, साथ ही ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं भी मिल सकेगी। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, चांदामेटा गाँव।